ओके, आज के दिन की उक्ति में हम चर्चा करेंगे छठे नाम अपराध की, और वो है पवित्र नाम में अर्थवाद का आरोप करना। तो अर्थवाद का मतलब क्या होता है? अर्थवाद का मतलब ऐसे आरोप, ऐसे मीनिंग्स देना भगवान के नाम को जो कि शास्त्रिक नहीं है। जैसे कि एलन गिन्सबर्ग नाम के जो व्यक्ति थे, वो बोला करते थे अगर आप रेगुलरली कीर्तन में आते हैं तो आपको जो टेस्ट मिलता है वो इतना अद्भुत होता है क्योंकि वो आपके डीएनए में चला जाता है और डीएनए में जा करके आपका जितना भी इंटॉक्सिकेशन है उसको छुड़ा देता है। अब भगवान का नाम डीएनए में जाएगा, डीएनए को चेंज कर देगा, ये फालतू मीनिंग, मतलब कुछ भी। हमें कह सकते हैं ओके चेतो दर्पण मान, चित्त का दर्पण साफ होता है, पर डीएनए में जाके भगवान का नाम कुछ कर देता है क्या ये? तो ये इट्स अ मंडेन इंटरप्रिटेशन। जैसे मैं जब नया नया आया था इस्कॉन के अंदर, तो मुझे पंजाबी भाई साहब मिले थे, तो अरे पुत्र अरे तो हरे कृष्ण कर रहा है, इसका मतलब पता तेरे को? मैं कहा नहीं जी, मेरे को तो अभी हफ्ता भर ही हुआ है यहाँ पर इस्कॉन के अंदर। इसका मतलब होता है हरे कृष्णा, कृष्णा तेरे आगे हम हार गए हैं, राम भी आगे हारे, हारे मतलब राम जी तेरे आगे भी हार गए, कृष्ण तेरे भी आगे भी हार गए, हमारे तेरे आगे चलनी तो है नहीं, हमारी चलनी तो है नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। आपके आगे कौन नहीं हारा है, हम भी हार गए। ये हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग है। वाह, जैसे एक मायावादी ने हरे कृष्ण महामंत्र मीनिंग क्या दिया, कहते हैं ऊपर से देखे तो हरे भी है, कृष्ण भी है, राम भी है, लेकिन आप जब ध्यान लगाते रहते हैं तो हरे ही कृष्ण बन जाता है, कृष्ण ही राम बन जाता है, राम ही हरे बन जाता है, सब एक ही हो जाता है। ओए होए होए होए, क्या बात है भाई। ऐसी आलतू फालतू इंटरप्रिटेशन देना भगवान के नाम के ऊपर, ये आता है छठे नाम अपराध के अंदर, गिविंग मंडेन इंटरप्रिटेशन टू द होली नेम ऑफ कृष्णा। तो इससे हमें बचना चाहिए, तो हमें प्रमाणिक अर्थ लेने चाहिए। प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर अर्थ दिया है हरे कृष्ण महामंत्र का, और इसके अलावा गोपाल गुरु गोस्वामी ने, विश्वाचार्य ठाकुर ने, इसमें बड़े अच्छे अच्छे मीनिंग्स दिए हैं। किसी ने अगर हरे का मतलब हरी भी दिया है, किसी ने हरे का मतलब श्रीमती राधा रानी भी दिया है, तो इस प्रकार कृष्ण भी दिया है, राम का मतलब राधिका रमण नाम। सो वी टेक द मीनिंग फ्रॉम द आचार्य। और एक्चुअली चैंटिंग करते वक्त वी शुड डू मंत्रार्थ चिंतन, यानी मंत्र के अर्थ पे हमें चिंतन करना चाहिए जो कि दिया गया है वैष्णव आचार्यों के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जाय, हरि नाम प्रभु की जाय। हम सब वैष्णव भक्त जन कमलों की वंदना करते हैं, जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष समान है, कृपा के समुद्र हैं, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जाय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय। हम सब मिलकर के ध्यान हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे।